أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات قال هادينا المعصوم كلنا محمد صلوات सरदार अरब मुतवल्ली काबा मुतवल्ली इंतहाई बाशऊर लोगन खिताब है। कहें गाँव दी छोटी जड़ी मस्जिद दी चाबी कहें बंदे कोल होवे ना मसीद दी चाबी उन्दे पैर जमीन ते नहीं लगदे। खबरदार मेरे नाल आराम नाल गाल करें, मैं मसीद दा मुतवल्ली हां जी साईं। मैं बुला कहें गाँव दी पांच मरले दी मस्जिद दी चाबी कहें आदमी कोल होवे उन्दे पैर जमीन ते नहीं होए। मेरे नाल हौले बोले, मैं मस्जिद दा मुतवल्ली हूं। न खुले सा जंदरा, कोई ना संगसी नमाजी नमाज पढ़ा। पांच मरले दी गाँव दी मस्जिद दे मुतवल्ली दी तक जहान ते नहीं पौंदी ते जिन्ना कोल काबा दियां चाबियां है। सदके तो मैं उन्हां दी शान दा ना जिहड़े बैतुल्ला दे मुतवल्ली हैं जिन्हां कोल काबा दियां कुंडियां रहन उन्हां दा क्या शान है। जनाब इमरान जनाब इमरान इमरान की गल की थी तो इमरान नाम का आदमी आ गया। तवज्जो फरमाइए मेरे बयान। जनाब इमरान दे चार पुत्र हैं। मजलिस सियाने लोगन पढ़ता खड़ा मैं और मैं पक्के मेरा कोई लफ्ज जाहिर नहीं किया। ये जनाब इमरान दी निस्बत नाल इस पाक खानदान का नाम आले इमरान। ये जनाब अबू तालिब दी वजह तो घराने को आले इमरान। जागते बैठो तो अगला जुमला आखा चाह और इसे आले इमरान दे नाम दी कुरान च सूरत मौजूद। सूरत आल इमरान है कुरान ही या कोई ना मौजूद है ना। मैं अर्ज कर देवा लाजमा एक आखना है जे कुछ समझ आ गई इबादत बंद थी गई। कद ही इन खानदान को आले इब्राहिम सदा वेंदा। वत अबू तालिब दे निस्बत नाल इन खानदान को आले इमरान सदा वेंदा। वत तुहाडे रसूल दी निस्बत नाल इसे कबीले को आले मुहम्मद सदा वेंदा। आले इब्राहिम आले इमरान और आले हिक्के खानदान दे नाम है। पाक जाते खड़ा कसम की जरूरत नहीं। ये बारगाह तो वड़ी केड़ी कसम
इन आयाम तो वड़ा क्या हलफ हो सकते आले इब्राहिम आले इमरान आले मोहम्मद ते ई खानदान दा हिक भी या ना भी ही वे आलुल्ला अल्लाह दा खानदान तौहीद ब्याह बेन ना ब्याह बेन ना घर ना मासूम है तवज्जो नहीं फरमाया और मैं अर्ज करें ना ए तुआडा बच्चा तुआडी आल क्यों सर्वी दे चूंकि थोड़े घर जमद है मालूम होया जेड़ा जेंदे घर आवे उंदी आल होंदी है सच दसा अली कहंदे घर आए भाई ये तुहाडे बाल तुहाडी आल इस वास्ते जो तुहाडे घर जमन अली कहंदे घर आए नाराज तो नहीं वे तिंदे पर मेरी अंगर तवज्जो रखा है बेल जनाबे इमरान दे चार बेटे सब तो वड़े दा इसमें गरामी जनाबे तालिब जेड़े सरकार दी दस्तार दे वारस पग दा वारस बचड़ा अबू तालिब दी पग दा वारस अरे भाई दस्तूर आई वड़े पोतर दे नाम तो कुनियत रखी वेंदी है क्योंकि वड़ा बेटा तालिब हाँ ने इस वास्ते उन्हां दी कुनियत अबू पहले इमरान पोतर दी कुनियत तू अबू दूजे सरकार दे पोतर दा नाम है अकील क्या नाम है अकील ना अकील अकील दा माने अकलमंद है अकील दा माने तवज्जो नहीं फरमाई लेकिन इंदे विच इक फर्क है अकील उकु आधन जेड़ा अक्सर सोनिया गाली करे ते बशर होमन दे नाते कदें कदें कई कमजोरी भी उन्दे कोल जाहिर थी ते अकील उकुआ दिन ये कु कायनात दी अकलो खेरद मसजूद समझ के सजदे करे तवज्जो नहीं फरमाई कुकु सदन बोलो तो सही त्रीजा सरकार दा बेटा जाफर तैयार केड़ा ओए ओए बच्चा ओए ओए इधे आवन इता 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 आवन जात ए इता इता इडू बस होए बस तालिब अकील और सारे बोलो नहीं यार पता है जाफर दमानक जाफर जीन एन फे अरे जाफर ये जनाब अबू तालिब दा त्रीजे नंबर वाला पुत्र इना तुस अक्सर रख दो रखा करो इना बड़ी आसमान कामत शख्सियत है जनाब जाफर जन्नत छिक नहरे ते एडी वड़ी नहरे जड़ी बयाक वक्त आठ जनता दे वसदा को सैराब करे जाफर एक जन्नत दी नहर दा नाम है जेड़ी अठ जनता को बोलो तो सही तैयार उड़ने वाला प्रवास करना
जेड़ा उड़ाने च थके नहीं, वो कुछ नहीं मुसलसल जेड़ा। अच्छा इंदी मैं पिछले साल और उस तो पहले साल दस चुका हूँ, वक्त नहीं जो मैं वाला हुआ गाल दोहरावा च जी गाल कोई नहीं की थी, वो करना चाहना। जनाबे जाफर को जुल जना है नहीं सदन में परों वाला, जुल हिजरत है नहीं सदन में भाई जाफर वो हस्ती है जै दू हिजरत कीतियां हैं, एक हबशे दूजी मदीने। और ये अजकल तुसा दिठा हो सी अच्छे मुकररीन दे नाल एक लकब लिखा वेंदे खतीब इस्लाम, एक कायनात आलम में सब तो पहले जनाब जाफर को लकब मिले। ये हबशा दी सरजमीन दे उते नजाशी बादशाह दे दरबार जेड़ी इन खूबसूरत गुफ्तगू ते तकरीर की राले बच्चे इजाजत सरजमीन हबशा ते तकरीर फरमाई और ए जाफर दी तकरीर दा असर हाई जो हबशा तेको बिलाल जाए बांगे दिते कंबर जाए गुलाम दिते फिजा जाइया कनीजा तवज्जो नहीं फरमाई मेरे बयान पे। अच्छा एक लफ्ज मैं आज आखने ते ही वे मेरा वादा जेको जेको समझ आ गई उन्हें मरफत कई जी ने बुलंद की मखदूम जबला अल्लाह दे जलाल दा नाम अली है, कोई शक है? कोई शक है? बोलो बोलो जलाल इलाही दा नाम जी जी ठीक है। ते जेड़े ले अल्लाह दा जलाल जोश च होवे उन्दे जोश को ठड्ढा करना या ओ को संभालना सौखी गल इहा तवज्जो है जो अली मैदान च वञे हा ते जलाल इलाही जोश च आवे हा, पर अली एक एक बंदे को ना मरेंदे। शाबाश अली सफा दिया सफा उलट देने जमींदार बैठे होते तो मैं याद नहीं आवा चाह अली दुश्मन दी पक्की हुई फसल दिया पातां चाहते हैं ताकि सरा की अदा भी माफ हो। जिंदगी देर हो पुराना संगती है सादा बड़े अरसे तू ना कोल मजालिस पढ़न लग गया भाई पूरी तवज्जो ही दो और अलहमदुल्ला खुशी तो ये बस ही हते भाई जेड़ा अली दा दामन नपी रहे वो कमजोर नहीं हो सकता ना वो जिस्मानी कमजोर होंदा है ना वो नस्बन कमजोर होंदा है अली कहंदा जोश है कहंदा जलाल है सारे बोले सो तो मैं गला जुमला तो अब जाफर तैयार दी अजमत दसा ना है जुमले च और लुत्फ के ना कुरान की कसम है देखो दोहरा के ना जेरे दोस्त वाले गैर हाजिर हैं उन्हें को दसाए देगा अली अल्लाह दा जलाल है अल्लाह दा जलाल जेड़े ले जोश जो होवे वो को संभालना वो को कंट्रोल करना वो को नॉर्मल हालत च आणना ये कोई सौखी गाल नहीं। ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह कोई एडी वड्डी शान शौकत एहतराम है जनाबे जाफर दा जो अली मुकम्मल जोश ते जलाल ते गुस्से च होवे ना ना ई जलाल दी हालत च अली को जनाबे जाफर दा वास्ता दे वा फौरन जलाल खत्म थी जाए
ਸਾਹਬੇ ਅਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਫਰ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਹਵਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਬਈ ਅਲੀ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਬਸ ਕਰ ਤਲਵਾਰ ਰੋ ਫੌਰਨ ਤਲਵਾਰ ਨਿਆਮੇ ਚਪੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਪੀਕ ਤੂੰ ਫੌਰਨ ਮੁਸਕਰਾਵਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਜਾਗ ਦੇ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੁਕਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੁਖਲ ਨਾ ਕਰਾਂਦਾ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਚੱਕਰੇ ਨਾ ਤਾਰੀਖ ਖੜਾ ਪੜਦਾ ਅਲੀ ਜੋਸ਼ ਚ ਹੋਵਿਆ ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਉਹਾ ਅਲੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਵੈਂਦਾ ਹਾ ਅਲੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਅਬਾਸ ਜੋਸ਼ ਚ ਹੋਵਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਉਹਾ ਅਬਾਸ ਦਾ ਚਲਾ ਇਹ ਚੁੰਡ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਤਾਲਿਬ ਫਿਰ ਅਕੀਲ ਫਿਰ ਜਾਫਰ ਤੇ ਚੌਥਾ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਦਾ ਬਖਤ ਆਵਰ ਤੇ ਸਿਦਰਾ ਨਸ਼ੀਨ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾਮ ਚਾਵਣ ਤੇ ਖਤਮ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲੋ ਯਾਰ خطیب ممبر سلونی وارث رتبہ ہارونی جمشید سریر کرامت خورشید سپہر امامت علی کیا سنیا وے ਜੋ ਫਰਮਾਈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਤਵੱਜੋ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇ ਕਿਆ ਸੁਣਾ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਜਨਾਬੇ ਤਾਲਿਬ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਗੌਰ ਫਰਮਾਏ ਭਾਈ ਸੱਕੇ ਚਾਚੇ ਜਨਾਬੇ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕੁੜਿਓ ਇਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਮੈਂ ਕਰ ਜਨਾਬੇ ਹਮਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕਾ ਭਾਈ ਅਸਦੁਰ ਰਸੂਲ ਰਸੂਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਜਨਾਬੇ ਅਕੀਲ ਆਏ ਚਾਚੇ ਆਧੇ ਰਹਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਅਸਾਂ ਪਲੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਇਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰੇ ਜਾਫਰ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਜਨਾਬੇ ਅਬਾਸ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਕੀ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਖੁਦ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨਬੀ ਕੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਮਜਮਾ ਨਹੀਂ ਨਾਰੇ ਚਰਲਦਾ ਪਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪਈ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਖਤਮੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਰਾ ਤੋੜਦਾ ਕਹੇ ਤੇਰੀ ਕਿਆ ਸੁਣਿਆ ਵੇ ਅੱਛਾ 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 ਜਿਵੇਂ ਫਿਰਾ ਇੱਕ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੱਲੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਇਵੇਂ ਝਮਾਂ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਆ ਤਾਲਿਬ ਅਮੀਰੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਆ ਕੋਈ ਤਬੀਅਤ ਚ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲਤਾਫ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਰਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰ
सरकार दे कोलू अमारत दे गुर सिखदे हैं। कोई कोई आम आदमी है काबा दे मुतवली अबू तालिब दी पग दवारे सा इमरान दी पग सैयद तुजार दी दस्तार दवारे सा क्या सुनिए वे ते जेड़े अकील हैं इन्हें च दो सिफत सारे भिरावत वक्री हैं। एक तो ये हाजिर जवाब कमाल दे हैं दुश्मन लुक दहा इन को देख किथाई गली महल जो इकट्ठे थी वन हा न मुंह चालू कहने हैं ते कदें ही कहें को तकदीर विलाका दे घिनावे तवज जनाब अकील ऐसी गुफ्तगू करने हैं जो नस्ला को याद आए हाशमिया नाल गाल सोच के कराए दुआ दुआ से मेहरबानी तवज्जो भाई बनू हाशिम नाल गुफ्तगू जी सोच के करा ये फसाहत दा समंदर ही वे ये बलागत दा दरिया ही वे सलासत इन्हां दे दर्द दी कनीज ही वे लफ्ज इन्हां दे बूहे दे गुलाम ही वे इल्म इन्हां दी सरिश्त दा नाम है तवज्जो भाई शूर इन्हां दे खमीर दा नाम है तारीख आदि हेक दिहाड़े फकीर शाम को कजा बद्धा फकीर शाम जान दे अमीर शाम ना फकीर शाम तख्त पे आया जनाब अकील मेहमान है जिठा सुना अपना दरबार ते रैयत मजमा तवज्जो भाई पेर पटी गए कसे बंदे दे पेर जल्दी पटी वेंदे तुसां डिठा उसी थोड़ा पानी जोश नाल वांदा समंदर बड़े सुकून नाल वांदा ते पता उसे ले लगदा जेड़े बंदा समंदर दे नेड़े लगे ते हदियां ही नहीं लभदियां वाला तवज्जो है मेरे बयान ते ये ना वत पता लगदा है थोड़ा पानी आई है समंदर है पेर पटी गए संतियां को आदे वे हिकल्ला से यो धते आके अज मजे न घिनु इंदे कोई इशारे किनाए पर्दे च गा रख के तंज न करूं सियाने हैं मुशीर मुआ के अकल दा इलाज कर असा तेरिया कमजोरियां वड़े चक्रां नाल लुकैंदे हैं जो रैयत को सलाम करें ते तू अपनी हर शे जाहिर करना चाहे पचा अकल दा इलाज कर ए हर शे जान दे नहीं खुले से नहीं आ चाहिए था दरबार वाके हया करो एक बंदे दे तो सारे डाढे न थी छू तवज्जो नहीं फरमाई मेरे बयान वाके यार चलो शौक ही तो घोड़े भरा गिन की शौक जनाब अकील तवज्जो रखा है भाई अकील बैठे हैं फकीर शाम ने बड़े बड़े मतलब है ना मोहतात होके अपने चेहरे दे तस्वरात बिल्कुल सही रख के ना भाई ये समझन ते बिया समझना वाके हाँ अकील समझ नहीं आती मैं भाई अजीब तबीयत है हाशमिया दी जो तुम्हारे खानदान दे मर्द ज्यादियां शादियां दा शौक रख दे तंग किया सरकार दे चेहरे ते मुस्कराहट आई है फरमाइंदे ने हैरानगी वाली गल तो नहीं ये अल्लाह हर खानदान दा मिजाज ते तबीयत बनाइए बस इयो फर्क है जो साडे खानदान दे मर्द ज्यादियां शादियां करें दे तुहाडे खानदान दी औरतां ज्यादियां शादियां फरमाइए सारे वत आज गाल करे संगतिया दिन आप ही मोए ते सब कुछ गाल ही ना तवज्जो है मेरे बयान ते ये ना हुन कोई बई गाल ही कर रही दे ना तवज्जो हाजिर जवाब कमाल दे हैं दूजी सिफत दसा
ते जेड़ी कोई नस्लां ते कौमां ते शजरां दी पहचान हाने ना क्या सुनिया वे शजरा शनास हैं शजरा शनास कबीलां दे खसूसियात जान देन अरब दे कबाइल ये खून टेस्ट करने वाली लेबोरेटरियां ते कल बनिया इंदा ए ग्रुप है ते इंदा बी है ते इंदा ओ है ते इंदा नेगेटिव है ते इंदा पॉजिटिव है जनाबी अली दा वड्डा फिरा 1500 साल पहले दस गए इन्हां दा खून बुजदिल ए मर्द मैदान है शाबाश ए बेवफा हैं ए वफादार हैं ए लुटण वाले ने खमावण वाले तवज्जो नहीं फरमाई मेरे बयान पूरे अरब दे सरदार मशवरे करे ना अकील अकील शादी करना चाहते हैं केड़े खानदान च करो अकील रहनुमाई करे है अकील मैं आलम तशय्युदा क्या इंसानियत दा ते को सलाम पेश करें कि तुहाडे नाल रिश्ते ते शादी दा मशवरा सिर्फ बशर नहीं कीता जरा हौसले नाल ना अल्लाह दी तस्वीर अली अल्लाह दी तस्वीर अली जदा जनाबे अब्बास दी पाक मां नाल शादी करन लगे अकील को आखा ने तुसा दसो मैं बहादुर खानदान ने शादी करना चाहिए तवज्जो फरमाई सारे आबा कि तुसा बहादुर खानदान दसो मैं अली शादी करना मेरे ख्याल में गाल समझा ना अली ऐनुल्लाह अल्लाह दी अख को लुकेड़ी शे पोशी दे ते कमाल दा अकील दे ना जे को अल्लाह दी अख पया दी तू दसा केड़ा बहादुर ते वफादार वक्त बचाओ मेहरबानी तवज्जो भाई मैं मजमून मुकम्मल करा ना टाइम ज्यादा न थी वने भाई पूरी तवज्जो दोस्त अहबा अल्लाह दी अख अली पया दिन तुसा दसो जो मैं शादी जी तालिब शादी न फरमाई क्या सुना वे जनाबे अबू तालिब दे बेटे तालिब ने वड़े ने शादी पसंद ना फरमाई त्राए अबू तालिब इमरान दे पुत्र शादी की अकील भी शादी की थी आले फरजंदा खानदान ने जनाबे जाफर भी शादी की थी और जनाबे अली ने भी बोलो तो सही बस पहले दो वड़े भिरावन दा रिश्ता जमीन ते तय होया अली दा रिश्ता तवज्जो है ते 73 फिरका मन चुका है कि इस्लाम करबला दी वजह तो बचे 73 फिरका जेड़े गैर शिद्दत पसंद लोग हैं ना न्यूट्रल जेन जरखेज जेन वाले तस्लीम कर चुके कि इस्लाम करबला दी वजह मैं अगे दस है जो इस साल 188 मुल्क दे बंदा हज कीता है यानी दुनिया च 200 मुल्क हैं जिन्हें चु 188 मुल्क दे बंदा हज कीता है मतलब 12-13 मुल्क छोड़ के बाकी पूरी दुनिया च इस्लाम पहुंच चुका है ये पूरी दुनिया दा इस्लाम एक करबला दा ममनून है
अगर करबला न होंदा जंग न होंदी आज इस्लाम बोलो तो सही आ जै करबला दी वजह तू आज पूरी दुनिया च इस्लाम दे चिराग रोशन इस करबला ते खर्चा अबू तालिब दे त्रै पुत्रां दा हो क्या सुन दे पे मैं क्या पढ़ा अकील दा जाफर दा अली या इंच आखा अबू तालिब दे त्रै पुत्रां दी औलाद कुठी है करबला बेजुर्मो बेखता तस्सी अकील दी औलाद जाफर दी मौला अली खर्चा तो जाफर अली दी औलाद दबों में जेड़ा खर्चा अकील दी औलाद दा थे ना ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह नौ पुत्र करबला जनाबे अकील दे इस्लाम वास्ते शहीद हुए शाबाश शाबाश कितने जी सारे बोलो लफ्ज मैं आहदा हीवे मेरा वादा जिथा तो को याद आसी इबादत थी सी जिन्हा अकील दे नौ पुत्रों चु सत ओ बचड़े हैं जिन्हा दिया शादियां मौला अली दिया धियां नाल जे उंज नहीं वे समझे तो इंचा समझावा दहवीं दे दी अली दिया सत धियां कठियां बेवा हो सदके 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 जी सही है ने जी जी अरे मुर्शिद अली दिया सत धिया दहवीं दे दी कठियां दुआ मंगी करो शाल कहें दी धी न बेवा हो पुत्रां दी मौत कोलो धियां दे बेवा होवण दा अरमान ते तर वाह 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 तेरे जाकरी सुनन ते समझन दी क्या पा कितने अकील दे बचड़े कुठन इन्हां चो सत मेरे मौला अली दे दामाद हैं तेरह या चौदह अकील दे पोतरे शहीद होए है हुण सैयद जेड़े बैठे हो मेरे हाथ बदे देख के मैं को माफ कर दिया है बेवसी ये जो मैं पढ़ चुका रिवायता न डिठिया हो मैं हा तो मैं को माजरत करनी न पोवे हा अली ते जाफर दा ही खर्चा बहु होए मगर इन्हां दी नस्ल ते औलाद चो सिर्फ मर्द शहीद हो इनका बड़ा अकील ओ गरीब है जिंदी दहवीं दे दी एक पोत्री शहीद होती मुस्लिम दी धीए अब्बास दी भणे जीए जिंदा ना कुछ रावियां हमीदा लिखा है कुछ खतीजा लिखा है ए उवेले शहीद होइए जदों हुसैन दी शहादत दे बाद मुसलमान घोड़ा ते चढ़ के अली दियां धीयां को खैमे पर चढ़ा मैं को रब दी कसम है आली हसैन इंदी लाश इवें चुनी है जिवें हुसैन कासिम दी लाश चुनी है मक्तल दो मोह कर किया दिया तो कासिम दी लाश चुनदा रहे मैं मुस्लिम दी धी दी लाश चुन शाबाश मरहबा जवानियां माने जवानियां माने शाबाश इवे भाई सिवाय जी मजाल है सही हथ क्यों बन दे हो सदके थी तुमा पता नहीं आसमान डटा क्यों ना समीन खत्म क्यों रहा सच पूछो ना करबला दा आगाज औलाद अकील दियां कुर्बानियां हैं पहली पहली करबला दी कुर्बानी जनाबे अकील दा पुत्र जनाबे अमीर मुस्लिम इन्दे मुतल्लिक आगा महदी लखनवी लिखा है जो रसूल फरमाए ना जो मैं इल्म दा शहर हाँ ते अली उन्दा दरवाज़ है उन्हें फरमाए अगर इन हदीस को करबला ते मुंतबिक करो तो इन बनसी हुसैन मसायब दा शहर है इन मसायब दे शहर दे दरवाजे दना जनाबे मुस्लिम बिना अकील है
शाबाश शाबाश शाबाश। मैं नौकरा सही। 15 रमजान को मक्का दे शहर हुसैन सड़े मुस्लिम कोफिया दे मुसलसल खत आंदे पैन हजारों की तादाद ते हुण तो वो ये गाल लिखण लग गए जे आप नास हो ते अपना कोई वकील न भेजे सो असा कयामत आले दी तुहाडे नाने को तुहाडी शिकायत करे सो। वीर हुण तैयारी कर चा ते ही कल्ला न वन जोड़ी को भी नाल जनाबे मुस्लिम आके जनाबे रुकैया खातून को हुक्म देते पुत्रा को तैयार करवा ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। छोटे बच्चे हैं पहली दफा माँ तू निखर दे पे हैं पहली दफा अनजाने सफर च वेंदे पे हैं माँ पूरी तैयारी करावण पुत्रा को हिक्का गाल आदी रही है जल्दी वला है उतु ईद नेड़े आ गई मेरा बछड़ा तुहाडे बगैर न मैं को ईद चंगी लग सी न मेरिया धीया को ईद चंगी शाबाश सदके थी पवा जी नौकर बचड़े जल्दी वाला है उतु ईद नेड़े आ गई हो मैं सदके थी पवा चुनाचे टुरे 15 रमजान को टुरे 20 दिन का सफर की तो उन्हें 5 शवाल को हुसैन दे वकील कोफे पहला पहला कियाम तेरे हैश अमीर मुख्तार दे घर रखो ने जिथा 100 कूफे दे सरदार जनाबे अमीर मुस्लिम दी बाय 100 बंदे पहली रात सरदारा ने बायत की वत कै वेले हानी दे घर कै वेले मुस्लिम औसजा दे घर जी कै वेले सुलेमान बिन सूरत खुदाई दे घर 4 सरदारों को जनाबे अमीर मुस्लिम दी है छेछ दिहाड़े 2 महीने ते छींदी अमीर मुस्लिम कुफर है तारीखा दिए 80,000 बंदे इन्हां दी बायत की थी ते जेड़े ले 80,000 बंदे बायत की थी ना जो असा थोड़े नौकर ते नाल है उस ले पुत्रां दो डिठस पुत्रां दा मुंह चुमकिया दे हैं बचड़े ये पूरा कुफा साडा मुरीद बननेंगी है बाबा आधे तो सचो 80,000 ये वड्डे मशीर अमीर मुस्लिम दे ये पुत्र हैं ना हाँ बाबा बन सारा साडा कुफा साडे नाले बाबा ते क्यों पूछा फरमाने अगर तुसा आखो हुन हालात साडे हक च तुहाडे मामे को आवण दा खत लिखा च पुत्र नाल दे दे बैठे मुस्लिम पहला जुमला लिखा है मेरा आका हुसैन कुफा मेरे हक च हर पासे दा इरादा छोड़ दियो जितना जल्दी हो सकता है पर ददारा को ना ला के कोफे आओ जो हुन मेरे पुत्र माँ ते भेणी वास्ते बहु मूंझे शाबाश मेरे बचड़े हुन माँ वास्ते बहु मूंझे भेणी वास्ते बहु मूंझे नौकर ने आका हुन जल्दी आओ कासिद खत घिन के तुरिया उड़ू कूफा दे हालात ने करवट बदली इब्ने ज़ियाद को बसरा दी गवर्नरी छुड़वा के ना यजीद ने कूफा दा गवर्नर बना दिता भाई पहला गवर्नर कमजोर है उन्दे वस च नहीं हुसैन दे वकील दी बायत कूफा करेंदा पे सारी कर चुका है तू सख्त जाबिर ज़ालिम है तू आ कूफा संभाल ये कुत्ता जो आया तो शहर के लोग इस्तकबाल किया मैं इो कुछ आदराना इंदा आवना अमीर मुस्लिम दी गरीबी शुरू थी ए आखरी जेड़े वी दिहाड़े गुजारे सना कहीं कहीं वेले वैनी कर रहा थे रो के आखे हा ओए कूफे दे लोगो इन करनी हावे तसा को खत लिख के दावत क्यों लिखी फरमाया इवें बेवफाई करनी आवे मैं को दसो आचा मैं हिकला आया हुआ मैं रुकैया दी जोड़ी तो ना सदके सदके अच्छा भाई वी दिहाड़े औखे गुजारिस 7 ज़िलहज्जे इतवार दा दिन है शाम दा टाइम है अंगली नाल पुत्रा को लाई वदे कूफे दियां गलियां टुरदा वदे ते कोई वेला जो याद आंदा सना
पुत्रां दे मुंह च मुखिया दे शहर दुश्मन है मेरे लाल तो को किन घिन वन्या वत आदे मैं तो को अमड़ी तक की में पहुंचावा। एक बंदे दे दरवाजे ते आ खड़े दक्कल बाप की तस जिंदा ना काजी शुरे है